Assalamu alaikum, I am Farzeen, and in this chilly morning, it's raining over here. We are in Gaddafi Stadium, and is waqt hum samne hai e-library ke. This live coverage is very interesting for all the students, kyunki aaj hum aapko introduce karwane wale hain e-library se. Jaise ki aap mere peeche bhi dekh sakte hain, it's a beautiful building, it's an amazing architecture. E-library initiative hai youth affairs, sports and tourism ka, uske ilawa PITB ka. ये स्पोर्ट्स बोर्ड और पीआईटीबी का मिलके एक इनिशिएटिव है. ई लाइब्रेरी को बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अब किताबों से फैसिलिटेट हो सकें विद द फ्रेंडली गैजेट्स, जिसमें लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं. एज़ यू नो, दिस इज़ द इरा ऑफ इनोवेशन एंड नाउ द बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई बुक्स. और ई बुक्स यहाँ पे आपको ई लाइब्रेरी में आर मोर देन अवेलेबल. वी हैव हर्ड दैट दे हैव मोर देन 2000 बुक्स ऑलरेडी एंड इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड इन लाहौर एंड मोर बुक्स आर गोइंग टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द ई लाइब्रेरी एज वेल. लुक एट द बिल्डिंग, इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. इट इज़ ऑलरेडी वेरी इंफॉर्मेटिव इफ़ यू सी कि आपको डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कंट्रीज की लिटरेचर, लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन तो यहाँ बाहर बैठ के भी मिल सकती है. दैट सेक्शन ओवर देयर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट्स रेनिंग टुडे, बट इफ़ इट्स नॉट रेनिंग आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, धूप में बैठ के पढ़ सकते हैं. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके इंटरमीडिएट के आगे और बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, 9th 10th के एग्जाम्स आर ऑन द हेड, इट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड स्टडी. आपको जो भी स्टडी मटीरियल चाहिए वो रेडिली आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा. लेट्स मूव ऑन एंड लुक इनसाइड कि ये किस तरीके की बनी हुई है और कितनी ये फैसिलिटेट कर सकती है स्टूडेंट्स को. लेट्स गो इनसाइड. हियर वी आर एंटरिंग द ई लाइब्रेरी. एज यू कैन सी द स्टैंडी ऑल्सो सेज दैट दिस ई लाइब्रेरी इज बाय पीआईटीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड. This is the entrance of the library. Moving ahead, you will have to get yourself registered here. अभी हम बात करने वाले हैं मिस्टर आसिफ बिलाल से, जो यहाँ के हेड लाइब्रेरियन हैं, इंचार्ज हैं इस ई लाइब्रेरी के. उनसे हम फर्दर पूछेंगे कि ये ई लाइब्रेरी का क्या आइडिया था, ये किसका इनिशिएटिव है और ये किस तरीके से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करिए. मूविंग अलॉन्ग. अस्सलाम वालेकुम सर. How are you doing? Everything going fine. हमें we have seen this e-library बाहर से भी और अंदर से भी हम अभी देख रहे हैं. It's a beautiful building. It's a beautiful initiative. हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये initiative basically किसका है और ये कैसे students को facilitate करने वाली है. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कारवान कैरियर वाले उन्होंने स्पेशल अटेंशन दी, और खालिद सूफी इरशाद सूफी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो अपने ज़ाती टाइम में से आप लोगों को उन्होंने निकाल के यहाँ पे भेजा. ये बेसिकली पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यसार्ट का एक कंबाइन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इन्होंने पंजाब भर में तकरीबन 20 के करीब ई लाइब्रेरीज बनाई हैं. और इन ई लाइब्रेरीज का जो बुनियादी मकसद है वो रीडिंग को रिवाइव करना है, ठीक है, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करना है, जो अनसर्टेनिटी है माशरे में उसको दूर करना है, लोगों के हाथों से कलाशनकोफ लेके उनके हाथों में कलम को दोबारा देना है. और इसके साथ साथ इनका ये एक एक जो कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी काम कर रही हैं. हमारे पास मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर एक डिस्टिंक्टिव जो फैसिलिटी या फीचर है वो ऑडिटोरियम का है. तो लोग आके वहाँ पे मुख्तलिफ समाजी और इस तरह की वो चीज़ें इवेंट करते हैं, जिसके ज़रिए लोगों के अंदर वो लाइब्रेरी का शौक भी पैदा होता है, किताब का भी होता है और बाकी चीज़ें भी उनमें इनकलकेट होती हैं. तो आइए मैं आपको फिर initiative jo hai PITB aur moving ahead we are going towards the library. yahan pe library aur lab dono available hai students ke liye. now you have to be a little quiet, the students must be studying here. I
stand quietly here so that you can move and show that students are already studying in here and the library is already operational. यहाँ पे students को अपने निसाब की जो किताबें की ज़रूरत है वो already shelves में हम देख सकते हैं कि available है. Further on, यहाँ पे 2000 plus जो है वो e-books भी available है. रिसोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास 200,000 यानी 2 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं जिसके अंदर मतलब जिस मर्जी डोमेन को आप उठा लें सब्जेक्ट वाइज साइंस एंड इंजीनियरिंग है मेडिकल है सोशल साइंसेज है लॉ है ठीक है मतलब इंजीनियरिंग है और बिजनेस कम्युनिटी है मतलब जो मर्जी आप उठा लें उसके अंदर हमारे पास सफिशिएंट वो है और उसके साथ साथ अगर हम मतबूआ या प्रिंट बुक्स की बात करें तो वो हर एक लाइब्रेरी के अंदर जो 20 जगहों पे है 3,000 प्रिंट बुक्स हैं और वो भी मुआशरे के तमाम सेगमेंट्स के लिए हैं मतलब थोड़ी थोड़ी किताबें वो खवातीन के ऊपर हैं मतलब वुमन एम्पावर के ऊपर हैं वो किड्स के ऊपर हैं वो वकला के लिए हैं वो एंकर पर्सन्स के लिए हैं मतलब थोड़े थोड़े सेगमेंट्स के लिए सारे सारे मतलब इफ यू बिलोंग टू एवरी काइंड ऑफ सेगमेंट मतलब और अगर आपका कोई भी डाइवर्स किस्म का इंटरेस्ट है तो हमारे पास उसकी कोई ना कोई बुक जरूर निकल आएगी ठीक है फर्दर लाहौर को ये आजाज हासिल है कि हमारे पास बुक I4 है जो कि डिजिटल और एडवांस स्कैनर है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ओल्डेस्ट और रेयरेस्ट मटेरियल को बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ी आसानी के साथ ठीक है ये उसको स्कैन करता है उसको प्रिजर्व करता है और उसको हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी में उसको फिर प्रोड्यूस करके देता है ठीक है लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास जो कि लाहौर में बाकी लाइब्रेरीज के नीचे सबसे ज़्यादा एरिया है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है तो हमने फिर अपनी कलेक्शन को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करके रख दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं सामने रेफरेंसेस का है शेल्फ है जितने हमने रेफरेंस मटेरियल है वो हमने यहाँ पर कर दिया है उसके साथ आप ये देख रही हैं जितनी बच्चों पर बुक्स हमारे पास निकली हैं जो आई हैं वो हमने बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दी हुई हैं ताकि अगर बच्चे हैं तो उनको अपने मटीरियल सेपरेट मिल जाए इसी तरह जो फिक्शन है या लेयर रीडिंग है उन तमाम की तमाम जो बुक्स वो हमने सामने 3 शेल्फ्स के अंदर जो डबल फेस शेल्फ्स हैं उनके अंदर निकाल के रखती हुई है ठीक है और बाकी जो जनरल कैटेगरी में है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए टाइमिंग्स हमारी सुबह 8 से रात 8 बजे तक है मंडे टू मंडे हम चल रहे हैं ठीक है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी से लोग आते हैं आज कल जैसे वो इम्तिहानात का वो एक जोर है तो CSS वाले PMS वाले इवन जो बोर्ड्स के स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आगे हम दिखाना चाहेंगे कि दिस लैब इज हाईली इक्विप्ड एज वेल अभी हमारे साथ स्कैनर के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर किया और फर्दर मोर वी वुड लाइक टू ये स्कैनर है ये बुक I4 के नाम से है काफ़ी एडवांस और कॉस्टली चीज़ है इसके ऊपर ये है कि जितना मर्जी ओल्डेस्ट और रेयरेस्ट मटीरियल है ठीक है वो आप इसके ऊपर स्कैन कर सकते हैं मतलब बड़ा इंडस्ट्रियल लेवल का ये है और बड़ा हाई क्वालिफाई जी प्रिजर्व करता है हाई डेफिनेशन में चीज़ों को इन शेप ऑफ पिक्चर वो निकाल के देता है इन शेप ऑफ PDF जिस जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है और जितना ओल्डेस्ट और रेयरेस्ट मतलब जिसके डिस्ट्रॉय होने का टीयर होने का डर होता है ये उसको भी बड़ी आसानी के साथ ठीक है हैंडल करता है और उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके आपको फिर देता है इट इज वन वे टू कीप द बुक सेफ एज वेल बिल्कुल ऐसे ही है और हमारे लोगों के साथ मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ बात और निगोशिएशन चल रही है कि अगर उनके पास कोई ओल्डेस्ट रेयरेस्ट जैसे कि सेक्रेटरी के पास जो जिनको आर्काइव डिपार्टमेंट है उनके पास मुगल दौर के ठीक है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो प्री पार्टीशन के डॉक्यूमेंटेशन हैं तो हमने उनको ऑफर किया है कि आप उनको लेके आए तो ला के तो हम आपको उनको प्रिजर्व करके देते हैं रिक्रिएशन भी हो उनकी स्टूडेंट्स को वो चाहूंगा कि अगर किसी के पास अपने आबाओ अजदाद के कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं कोई ऐसी बुक पड़ी है जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हुई है और वो उसके लिए बड़ा ही मतलब मौसर और इफेक्टिव किस्म का है तो हमारे पास लेके आए हम उनको जरूर फैसिलिटेट करके देंगे
ऑल एंड ऑल दिस लैब ई लैब फैसिलिटेट्स यू इन एवरी वे. अगर आप रीडर हैं, राइटर हैं, आप चीज़ों को अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, सो यू शुड कम टू दिस प्लेस ई लाइब्रेरी. इट्स इट हैज़ अ वेरी कोजी एंड अ वेरी फ्रेंडली एम्बियंस फॉर ऑल द रीडर्स एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आकर स्टडी करना चाहते हैं. हम वीट मूव अलॉन्ग, यहाँ पे हम लोग लैब भी विजिट करेंगे. उसके अलावा एज यू कैन सी इट हैज़ अ लार्ज एरिया स्टूडेंट्स के लिए बैठ के पढ़ने के लिए, अपने इंटरेस्ट्स को परसू करने के लिए. दिस क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस. मूविंग ऑन टू द ऑडिटोरियम नाउ. जी, तो वेलकम टू द ऑडिटोरियम. ये ऑडिटोरियम स्टेट ऑफ द आर्ट है हमारा, बिल्कुल न्यूली बिल्ट है. इसके अंदर 162 सीटिंग कैपेसिटीज हैं, ठीक है. और ये भी मैं आपके चैनल के रेफरेंस से आपको भी मैं वेलकम करता हूँ और आपको ऑफर करता हूँ कि जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ हमारे पास आके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. और उसमें अगेन वही है कि जो पहली थ्री रोज हैं ये थोड़ी लग्जोरियस हैं, इनके अंदर ये हैंड रेस्ट तो है ही है, लेकिन आपने कुछ नोट पैड रखना है, लैपटॉप रखना है, मोबाइल रखना है, वाटर बॉटल रखनी है, उसके लिए बिल्कुल ये एक एडिशनल सब फीचर है. और ये अभी चूंकि डेवलपिंग फेज में है, लेकिन हमारे पास जितना ऑडिटोरियम रिलेटेड स्टाफ होता है जिसके अंदर प्रोजेक्टर है, साउंड सिस्टम है, वो सारे के सारा मतलब इन फ्यूचर हम उसको डिस्प्ले यहाँ करवाएंगे. मतलब एक अच्छी वर्कशॉप, एक अच्छा सेमिनार यहाँ पे जरूर कंडक्ट करवाया जा सकता है. लोग के वहाँ भी नहीं है, मतलब पहले आप जी ऑपरेशनल हो चुकी है, लोग आ भी रहे हैं और आपके चैनल से मैं ये लोगों को वो भी आए, आप खुद भी आए. अट्रैक्ट्स द आईज एज वेल, बना भी इस तरह से हुआ है. जी, ये एक मोस्ट इनोवेटिव पार्ट है ई लाइब्रेरी का कि दिस इज द लैब where students, I would like to know कि ये क्या lab किस तरीके से different है. lab इस तरीके से different है कि usually labs जब आप जाते हैं किसी भी traditional lab के अंदर, तो वहाँ में आपको desktop ये इस तरह का heavy या hard stuff आपको देखने को मिलता है. हाँ, और हमारे पास जो है वो माशाल्लाह से लैपटॉप्स हैं, ठीक है. अगेन वही कि लाहौर में बाकी लाइब्रेरीज जो ई लाइब्रेरीज हैं हमारी, उनकी नस्बत ज़्यादा यहाँ पे गैजेट्स हैं, ज़्यादा लैपटॉप्स हैं, ज़्यादा ये टैब्स पड़ी हैं, आप देख सकते हैं. और ये सारी इक्विप्ड हैं, सारी लिंक्ड हैं जो एच ई सी के चार डाटा बेसिस हैं हमारे, उनके साथ जो 200,000 बुक्स हैं उनके साथ. और ये वाईफाई मतलब बिल्ट इन है, और आपने अपनी को पर्सनल असाइनमेंट करनी है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, कोई मतलब ऑफिस का काम करना है या अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई थीसिस पे काम करना है, तो बिल्कुल फ्री ये है पब्लिक के लिए. इसलिए करंटली रिसर्चर्स को बहुत मुश्किल होती है डाटा एक्सेस करने में, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट का डेटाबेस है, तो यहाँ पे वो इजीली एक्सेसिबल है. बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे सब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज हैं एच ई सी के और जो इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ, उन तक भी रसाई उनकी है. और इस तरह बल्कि मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि पाकिस्तान लॉ साइट है जो कि वकला के लिए बहुत एक अच्छा सोर्स है, मतलब एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है. अगर मैं कहूँगा तो बजान इसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि एक काफ़ी हैवी पेड है ये, और दूसरा इसके अंदर सारी चीज़ें जो मोटी मोटी जखीम बुक्स होती हैं उनकी, वो सारी की सारी डिजिटाइज फॉर्म में यहाँ पे है. और एक सिंगल सर्चिंग क्यूरी पे आप अपने मर्जी के रिजल्ट वहाँ पे ले सकते हैं. इस तरह से ये है, तो हमारे पास यूजर आते हैं, ये बच्चे हैं डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं, तो ये अपने पेपर्स की, अपने असाइनमेंट्स की बैठ के तैयारी कर सकते हैं, करते हैं, कर भी रहे हैं. इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव. जैसे हमें पता है एचईसी भी आजकल रिसर्च कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आर गिविंग. सो वी हैव गिवन यू अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ई लाइब्रेरी. इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ पीआईटीबी एंड स्पोर्ट्स बोर्ड. ऑल द स्टूडेंट्स जो कि रिसर्चर्स हैं या जिनके एग्जाम्स हैं या वैसे ही रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए इट्स अ ग्रेट प्लेस. इट्स अ हेवन कम. इट्स अ कोजी वार्म प्लेस फॉर ऑल द रीडर्स एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत है. It is very easy to access the membership as well of this library. आप membership के बारे में जो भी information लेना चाहते हैं, it's quite easy. We can give you at Career Karwan as well. So just at the last, we'll take a last view of the whole of this lab. एंड यस, वील ऑल्सो आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स के उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस है, उनको किस तरीके से ये लैब जो है वो फैसिलिटेट कर रही है. तो वी ऑल दो वी आर डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, बट अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
आपका नाम स्टूडेंट? रायासिफ। ये ई लाइब्रेरी का आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है और आपको कैसे फैसिलिटेट कर? ये जो ई लाइब्रेरी बेसिकली जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है, ई लाइब्रेरी में बेसिकली जो फ़र्क है ना वो ये है कि फिजिकल लाइब्रेरी में आपको एक टॉपिक के ऊपर जो बुक है ना वो ढूंढने के लिए शेल्फ तक जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो बुक्स आपको नहीं मिलती, वो इशू हुई होती है, क्योंकि वो एक ही यूज़र उस तक एक्सेस हासिल कर सकता है। और डिजिटल ई लाइब्रेरी में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, तो उस तक एक से ज़्यादा यूज़र जो है ना एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आपकी असाइनमेंट सही बन रही है? जी, मेरी असाइनमेंट बिल्कुल बेहतरीन बन रही है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट साइंस का। यस, थैंक यू, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। सो स्टूडेंट्स से हमने बात की कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के उनका अपना एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आई थिंक मोर स्टूडेंट्स शुड गेट टू नो अबाउट दिस एंड कम टू द ई लाइब्रेरी।